अंबिकापुर में गणतंत्र दिवस देशभक्ति की भावना के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री का राज्य की जनता के नाम गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन किया। गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री टीएस सिंहदेव ने परेड की सलामी ली और सांस्कृतिक कार्यक्रम झांकी तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। परेड कमांडर रचित निरीक्षक मुकेश जोशी तथा सेकंड इन कमांड अप निरीक्षक एलरिक लखड़ा के नेतृत्व में शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। समारोह के दौरान प्रस्तुत झांकियों में सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग की प्रथम केंद्रीय जेल को द्वितीय तथा नगर पालिक निगम अंबिकापुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि टीएस सिंहदेव ने शहीद परिवारों के सदस्यों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि समाज, प्रदेश तथा राष्ट्र के विकास के लिए प्रशासन व नागरिकों के बीच अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।